रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर फ्रेश बैचेस क्लास 8, 9, 10, 11 एंड 12 स्पेशली फॉर इंग्लिश मीडियम CBSE एंड ICSE नया बैच 15 मार्च 2020 से स्टार्ट 9576144386 नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में विधानसभा सभागार रांची में पत्रकारिता एवं सूचना का अधिकार विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता श्री अजीत कुमार, मुख्य अतिथि श्री रविन्द्र नाथ महतो, अध्यक्ष झारखण्ड विधानसभा, विशिष्ट अतिथि श्री रामेश्वर उरांव, वित्त मंत्री झारखंड सरकार श्री हिमांशु शेखर, प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त श्री सुनील महतो, अधिवक्ता सह RTI कार्यकर्ता सहित झारखंड राज्य के विभिन्न जिले के पत्रकार उपस्थित थे। मुख्य अतिथि रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि औद्योगिक क्रांति के रूप में जाना जाता है, 19वीं सदी को इस्पात क्रांति के रूप में जाना जाता है, 20वीं सदी को इलेक्ट्रॉनिक क्रांति के रूप में जाना जाता है, उसी तरह यह सदी सूचना क्रांति की सदी है। सूचना और संचार आज सबसे बड़ा ताकत है और हम सबों ने मिलकर इस विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैंने बारीकी से तमाम वक्ताओं के मुखारविंद से कि निश्चित रूप से कोई भी व्यवस्था सुलभ नहीं होता है, निश्चित रूप से उस व्यवस्था के लाभ को प्राप्त करने के लिए लोगों को दुर्बल मार्ग से ही पार करना पड़ता है। और मैं समझता हूं आप जिस पैसे से जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से आपके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। जिस तरह का प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त झारखंड हिमांशु शेखर ने कहा कि RTI एक्ट में संशोधन की बात की गई, मेरा यह मानना है कि मैंने सुनील जी से व्यक्तिगत बातचीत पे भी ये बात कही और अजीत जी बैठे हैं, ये कानूनी पक्ष मेरी इस बात में कितना तार्किक है ये बता पाएंगे, अध्यक्ष महोदय बैठे हैं ये विधायकी के तौर पर कितना उचित होगा ये बता पाएंगे। मेरा यह मानना है कि जो सूचना आयोग है या कोई भी आयोग दंप याद न करे जब तक क्षमतावान व्यक्ति, क्षमता का मतलब है कि उसकी उम्र होनी चाहिए, अगर इसी की आज उम्र सीमा रखी गई है 65 साल सेवानिवृत्ति की उम्र है सूचना आयुक्तों की या मुख्य सूचना आयुक्त की, अगर इसको 55 कर दिया जाए। झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन संस्थापक शहनवाज हसन ने कहा कि हम देख सकते हैं इसको, उसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो क्लॉज है PF को लेकर के पत्रकार का PF नंबर होना चाहिए, वो सारी चीजें तो 99% पत्रकारों के पास में नहीं है। और वो मुद्दा हो ये है कि आप अगर पत्रकारों को सही में राहत देना चाहते हैं, विशेषकर जब 60 वर्ष की उम्र में पत्रकारों को राहत देना चाहते हैं, तो ऐसे में ये जो क्लॉज जो लगाया गया है PF का देना और ये सारी चीजें, इस पर संशोधन होना चाहिए। इसकी हम लोग संगठन की ओर से आपके समक्ष बात रखते हैं और क्योंकि RTI को लेकर के है ये मामला विषय है, इस पर 3 लोग हैं जो प्रमुखता से बात रखेंगे, सुनील जी हैं, मंजू जी हैं, जीत जी हैं और चंदन भैया इस पर और विशेष प्रकाश डाली है। बस मैं इन्हीं बातों से अपनी बातों को विराम दूंगा क्योंकि ये 3 चीजें हम लोग प्रतिदिन झेलना। मौके पर झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन संस्थापक शाहनवाज हसन, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह गढ़वा, जिला अध्यक्ष सिया शरण वर्मा, चंदन मिश्रा, ललन पांडे, रुस्तम खान, अभिमन्यु पाठक, विकास सिंह, संजय पांडे, अमन कुमार, संजय सिंह, सोनू कुमार सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद थे। मंच संचालन निशा रानी ने किया। तो ये इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसलिए मैं सब आग्रह करूंगा इस तरह आप ध्यान दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
धन्यवाद।